पूर्व लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि भगवान से हिसाब नहीं करना चाहिए, भगवान से कृपा और दया मांगनी चाहिए। उसमें जो कथा थी संक्षिप्त में ये थी कि एक तपस्वी तप कर रहे थे, घोर तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि जो मांगना हो मांग लो हे पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तब तपस्वी ने कहा कि महाराज मैंने तपस्या की है, उसका जो फल बनता है वो दे दीजिए, मैं मांग नहीं रहा हूँ। भगवान बोले भैया इस बात को छोड़ो, तुमको जो चाहिए वो मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तपस्वी ने कहा महाराज मुझे ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, आपको जो हिसाब से जो बनता है वो मुझे दे दीजिए। भगवान के बार बार समझाने पर भी तपस्वी के ना समझने पर भी भगवान ने कहा कि भाई हिसाब ही करना है, दी तो सुन लो, तुमने 10,000 वर्ष की तपस्या की तो 5,000 वर्ष की तपस्या तो उस पत्थर को गई जिस पर आप खड़े हैं, 5,000 वर्ष की तपस्या इस वृक्ष की टहनी हो गई जिसकी सहारा लेकर टहनी को पकड़े आप खड़े हैं, जिसकी छाया में आप हैं, ये आपने नहीं मैंने बनाए, तो आपकी तपस्या तो हो गई पूरी, अब आपका हिसाब ही करना है। तो हिसाब रहा वायु का जो आपने 10,000 वर्ष तक पिया है, तो आपको आपको उसके एवज में 10,000 वर्ष का नरक होगा, ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान है। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी कहते थे कि इसका सारांश यही है कि भगवान से हिसाब नहीं करना चाहिए, भगवान की दया और भगवान की कृपा ही परम आवश्यक है। तो इस पर गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो पत्रों में जो लिखा है, जहाँ पर वो कहते हैं कहाँ पर भगवान की कृपा झलक रही है, दया झलक रही है, और किस प्रकार उन्होंने सब वस्तुओं में भगवान की कृपा और दया देखी, किसी वस्तु में उनको उन्होंने अपने आप को श्रेय नहीं दिया। तो उसके जो हम उदाहरण देख रहे थे, जैसे एक पत्र में उन्होंने लिखा अनुभवों द्वारा हमारे मन को भगवान दृढ़ करके हमारा वर्तमान जीवन भी सफल बना रहे हैं, कल्कि भगवान का नाम मिला हुआ है, इससे हमारे पिछले जन्मों की योग्यता प्रमाणित होती है, कुछ भी हो भगवान की कृपा में तो शक नहीं है। फिर उन्होंने जो जितेंद्रनाथ सान्याल के बारे में जो लिखा था कि अपने बताए हुए भाई के बताए हुए भेद को जानकर कि इनको पिछले जन्मों का रामकृष्ण परम हंस बताया है, और 2 साल पहले का इनका खुद का स्वप्न जिसमें मंत्र का वायदा रामकृष्ण परम हंस देव ने कर रखा है, उसको निश्चय हो गया कि भगवान की कृपा से वह वायदा पूरा हुआ। तो जितेंद्र सान्याल जी को ये निश्चय हो गया कि भगवान ने जो वायदा किया था वो वायदा इनके गुरु लक्ष्मीनारायण जी द्वारा मंत्र मिलने से पूरा हो गया, भगवान की कृपा से वायदा पूरा हुआ। तो उनको नाम जप में रुचि प्रवृत्ति हो गई और प्रेम श्रद्धा सम्मान के साथ कल्कि कल्कि कहता रहा। इसके सिवा गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो पत्रों में सब भक्तों से शिष्यों से जो पत्र लिखे और किस प्रकार उन्होंने जो भक्तों को जो बड़ा हमेशा उन्होंने बड़प्पन दिया और हमेशा भगवान से ये प्रतिज्ञाता मानी उन्होंने कि ऐसे सच्चे मित्र मुझे आपकी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। तो इस प्रकार का भाव यदि हम हमारे साथ के भक्तों में रखते हैं, सखा भाव कि ये सब हमको भगवान की कृपा से ही भाग्य से ही मिलते हैं, तो फिर यदि हम उनमें गलती नहीं देखते तो फिर इससे इस संगठन की भी मजबूती होती है, हमारा खुद का भाविष्य पवित्र शुद्ध रहता है। और चूंकि हम ये मानते हैं कि जो भी हमको मिला उन भगवान की कृपा से, ये संबंध भगवान के द्वारा बनाए गए, तो इससे राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होता, तो इससे दुख भी पैदा नहीं होता, इससे सुख ही पैदा होता है जब हम सब भक्तों में ये मानते हैं कि ये रिश्ते जो हैं भगवान के द्वारा दिए गए, भगवान की कृपा से मिले। जैसे उन्होंने पंडित महाप्रसाद जी को लिखा अभिमान से मैं बहुत डरता हूँ, वह आप लोगों के शुद्ध प्रेम से गलित होता रहता है, सच्चे भक्त सच्चे मित्र भाग्य से ही भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, आपको यदि मेरे अंदर कोई इच्छाएं अच्छाएं दिखती हैं वो आपके अंतस्करण की शुद्धता ही है, अर्थात आपको मेरे में यदि कुछ अच्छाई भी दिखती है तो वो आपके अंतस्करण की शुद्धता है, उसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, पर सच्चे मित्र आप जैसे सच्चे मित्र जो हैं सच्चे भक्त भाग्य से भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। और इसी संदर्भ में एक जो उन्होंने दूसरा पत्र लिखा मैं जो पंडित महाप्रसाद जी को पालनपुर में जो लिखा पंडित महाप्रसाद जी उमा शंकर जी और प्रेमचंद जी के लिए कि आप लोगों की चरण रज मेरे लिए मूल्यवान है, आप संत लोग संस्कारों को निभा रहे हैं, एक अर्थ में आप लोग अजर अमर हैं, मैं तो जी ही आप लोगों के प्रेम की वजह से रहा हूँ, ऊपर कल के भगवान हैं नीचे आप हैं,
सच्चे मित्र सच्चे भक्त ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। वापस उन्होंने ये पत्र में भी लिखा, और ये सब सद्गुण भगवान के नाम के उच्चारण से ही प्रकट होते हैं। पंडित माइपिताजी ने एक सत्संग में एक बार कहा था कि उन्होंने जब गुरु जी ने इस प्रकार जब लिखा कि आप लोगों की चरण रज मेरे लिए बड़ी मूल्यवान है, तब पंडित माइपिताजी ने एक बहुत दर्द भरा पत्र लिखा था गुरु जी के लिए कि महाराज मैं कृपा करके ऐसी बातें ना लिखा करें। तब फिर गुरु जी ने जो ये जो दूसरे पत्र में हमने देखा था कि गुरु जी ने जो लिखा फिर कि आप लोग जिस निष्कर्ष पर निर्णय पर आप पहुँचे हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु जी की जो स्तुति की थी ईश्वर के रूप में उसके जवाब में गुरु जी ने लिखा था कि आप जो निष्कर्ष पर पहुँचे वो भगवान की दी आप तब रूप बुद्धि का ही फल है, जो आप आपकी योग्यता बढ़ने का प्रमाण है। जैसे जैसे गुरु से जैसे भगवान के नज़दीक जाते हैं गुरु से प्रेम बढ़ता है, और ये आपकी ये जो है आपकी योग्यता बढ़ने का प्रमाण है। गुरु जी ने लिखा सच्चे मित्र सच्चे भक्त ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। जीवन में लोग जो लोग दिखावे के लिए नहीं सच्चे मन से भगवान के प्यारे होना चाहते हैं और लगातार लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अपनी रहस्यमयी छिपी से छिपी लीलाओं का आनंद दिए चले जाते हैं। जीवन का एक एक श्वास बड़ा मूल्यवान हो जाता है। तो ये जो वाक्य है, जो लोग दुनिया दिखावे के लिए नहीं सच्चे मन से भगवान के प्यारे होना चाहते हैं और लगातार लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अपनी रहस्यमयी छिपी से छिपी लीलाओं का आनंद दिए चले जाते हैं। हमने इसके पहले की कथा में देखा था किस प्रकार जो गुरु जी ने जो कथा कही थी कि जो भगवान जो लीला दिखाते हैं देखते चले जाओ और निर्लिप्त होकर भगवान का भजन करो। ये जो कथा हमने पहले देखी थी जो सेठ जी की और दूसरे गुरु भाई की जो थी, जिसमें भगवान की लीलाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। गुरु जी इसमें लिखते हैं, इस अवतार में जैसी कृपा भगवान ने भक्तों पर करी है वैसी शायद ही किसी युग में करी हो। वर्तमान समय भक्तों की भक्ति को स्थिरता को रहने नहीं देता, देवताओं को देवता नहीं बनने दिया। ये अविश्वास का युग है, इसमें मेरे जैसे आदमी पर विश्वास करके जगतबंध महान सम्मान के योग्य पुण्यों की चरम सीमा कल की भगवान की भक्ति में निश्चय किए खड़े हैं आप, वो जमीन आसमान के खंभ नहीं तो क्या है। इस प्रकार गुरु जी ने किस प्रकार भक्तों को जो शिष्यों को जो श्रेय दिए। तो जब हम भगवान की कृपा हर एक चीज़ में देखते हैं तो क्या होता है, और इसके बारे में जो एक जो श्लोक है जो गुरु जी ने पत्र में लिखा, अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर्मम, अर्थात हमें तो अब यही सार सुन रहा है, अमोघा भगवत भक्ति, ये भगवान की भक्ति अमोघ है, हमें तो अब यही सार सुन रहा है। सार को देखकर असार में मन को कैद करना मूर्खों का ही काम होता है। सारे वेद पुराण शास्त्र मन को निश्चय कराने के लिए है। निश्चय करके प्रतिज्ञा करके जो लोग लगते हैं वे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये सब शक्ति भी भगवान की शरण पकड़ने से भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो भगवान की कृपा से जो ये जो शक्ति सब शक्ति भी भगवान की शरण पकड़ने से भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो इसमें एक उससे क्या होता है, जो गुरु ये जो गीता का जो श्लोक है, देवी ईर्षा गुणमयी मय माया दुरंते अव मामे ये प्रपदंते मयामृतम तरंती थे। देवी ही ऐसा गुणमयी, ये त्रिगुणमयी जो माया है मेरी, कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, मम माया दुरंते अब मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु मेरी शरण में जो आते हैं मामे वे प्रपदंते एताम तरंती थे, मतलब जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया से पार हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं, जो मेरी हिसाब नहीं करते पर मेरी कृपा और मेरी दया मांगते हैं, तो वो मेरी माया है जो बड़ी दुस्तर है, पर मेरी शरण में आने से वो इस माया को पार कर जाते हैं। तो इसीलिए जो गुरु लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान से हिसाब नहीं करना चाहिए, भगवान की दया भगवान की कृपा से ही ये जो माया है उसको पार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक जो कथा है मध्य के जो गुरु थे वेदांत के गुरु तोतापुरी बाबा, वह ब्रह्म में मानते थे, ब्रह्म की शक्ति में नहीं मानते थे। तो उनका ये मानना था कि हम हमारे परिश्रम से भगवान की भक्ति और निर्विकल समाधि वगैरह प्राप्त होती है, तो इसलिए वो भगवान की शक्ति को
मातृ स्वरूप को नहीं करते थे, मानते थे। तभी हमने वो कथा में पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार जब उनको पेट में बहुत ही दर्द हुआ और उन्होंने निर्विकल मन को बहुत ही ऊपर ले जाना चाहा, ये सोच ये कहकर कि मेरा मन पर वो काबू है, तो कितना भी शरीर में दर्द होता रहे पर मैं मन को निर्विकल समाधि में रखता हूँ, तो वो नहीं कर पाए। बार बार उनका मन पेट की दर्द की वजह से नीचे आ रहा था, तब उन्होंने सोचा कि ये शरीर मुझे काम नहीं दे रहा है, तो इस शरीर का मैं अंत कर देता हूँ। तब वो गंगा जी में आगे बढ़ते गए, एक किनारे से दूसरे किनारे भी पहुँच गए, फिर भी उनको इतना पानी नहीं मिला कि वो डूब पाए, डूबने का डूब कर शरीर छोड़ना चाहते थे। तब उनको अचानक फिर जो माया के भगवान की माया के देवी के भगवान प्रकृति के दुर्गा देवी के जो दर्शन हुए, तब फिर उन्होंने जो शक्ति का शक्ति में माना और तब उनको पता चला कि भगवान भगवान ये जो भगवान की माया है, शक्ति है, वो दया करके यदि जब तक जीव को भगवान की तरफ नहीं जाने देती तब तक जीव अपनी शक्ति से भगवान को नहीं पा सकता। ये जब उनको दर्शन हुआ तब तो उनकी मन ये उनकी आँखों का जो पर्दा खुला, तो उसके बाद फिर वो रामकृष्ण देव को दूसरे दिन आकर उन्होंने कहा कि माँ ने मेरा मेरा मन का जो अज्ञान दूर कर दिया। तो ये वो अज्ञान यही था कि जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी यहाँ पर जो कहते हैं कि भगवान से भगवान की दया और कृपा ही से ही हमको जो प्राप्त होता है वो उनकी दया और कृपा से ही प्राप्त होता है, और इससे अब ये भाव नहीं रखना चाहिए कि जो अनुभव वगैरह जो भी कुछ या हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है वो हमारी तपस्या से हो रही है। इसलिए फिर जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो एक श्लोक लिखा है अपने पत्रों में, जिसमें गीता का जो श्लोक है जो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, मन मनाभव मद भक्तो, हे कृष्ण हे अर्जुन, मन मनाभव ये तुम मेरे ही मन वाला है, मतलब मेरे मन में मन मिलाकर काम कर, मन मनाभव मद भक्तो तुम मेरा भक्त बनो, मध्याजी माम नमस्कार, मध्याजी मतलब मेरा पूजन करने वाला हो, माम नमस्कारो मेरे को नमस्कार कर, ऐसा मामे विश्वास सत्य थे, ऐसा करने से तुम मेरे को निश्चित प्राप्त करोगे, प्रति जाने प्रियो में ये मैं तुमको सत्य प्रतिक्रिया कहता हूँ क्योंकि तुम मेरे को अत्यंत प्रिय हो। तो इसमें जो भगवान कहते हैं कि किस प्रकार तुम मुझसे भक्ति से शरणागत होकर मेरे मन में मन मिलाकर मेरा पूजन करके मेरे को नमस्कार करके ऐसा करने से तुम मेरे को प्राप्त करोगे। इसी के संदर्भ में जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने एक जो कहा कि भगवान महाविष्णु चलते समय ये कह गए थे कि प्रकट होने से पहले 125,000 शरीरों में मेरा तेज व्याप्त होगा, एक ही वाणी बोलेगा, इसलिए जिन प्यारों पर ईश्वर की ऐसी कृपा हो उन्हें चाहिए कि जो लीला नारायण दिखा रहे हैं वो देखते जाएं, भक्त के रूप में ही भगवान का स्मरण करें, उनके शरणागत होकर उनकी दया मांगकर उनकी कृपा मांगकर ऐसा करने से उनका परम कल्याण होगा। तो हमने कल देखा था कि किस प्रकार रामकृष्ण परमहंस देव का जो भाव था, उनकी आत्मनिर्भरता, माँ पर जो निर्भरता थी उनकी एक बालक की तरह, उसकी वजह से वो कहते थे कि माँ मेरे पैर को कभी बेताल नहीं होने देती और मेरे पैर को कभी गलत नहीं पड़ने देते, और इसलिए वो कहते थे कि मेरे माँ के विभिन्न रूप और भाव वो हमेशा निरंतर देखते रहते थे, फिर भी जब उनको और भी जो दूसरे नए नए भाव को नए नए रूप को देखने की जब अभिलाषा होती थी तो बच्चे की तरह माँ से वो जब हट करते थे तो करुणामयी माँ उनके उस भाव को दर्शन को उपलब्धि रूप के दर्शन को तुरंत उपलब्ध करा देती थी और उस प्रकार की उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्था थी वो कर देती थी। इसलिए रामकृष्ण महाराज कहते थे कि मैंने जो विभिन्न मतों की साधना की तो किसी साधना में मुझे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, 2-3 दिन के भीतर ही मुझे माँ उसके अंतिम चरम से उस पर देह पर मुझे पहुँचा देती थी। तो जो इस वजह से जो उनकी माँ पर जो निर्भरता थी, संपूर्ण शरणागति थी, संपूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलने की उनकी जो वो थी, इसकी वजह से अपनी मृत्यु तक की पहले ज्ञान हो जाने तक भी कभी उनके दिमाग में मन में कभी भाव नहीं आया कि इसको ये रोग को या मृत्यु को कैसे टाला जाए, क्योंकि कभी सभी भक्तों ने उनको प्रार्थना की महाराज आप अपने शरीर के लिए प्रार्थना कीजिए माँ से, तो वो कहते थे कि मैं ये मेरे मुझसे चीज़ निकल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण ढंग से जो अपने को ईश्वर इच्छा पर डाल दिया था, उनका मन ऐसे पवित्र भूमि पर रहता था कि उनको
कोई स्वार्थमयी मांग की भावना को उदय नहीं होता था और सांसारिक इच्छाएं वगैरह की कोई उनको इच्छा नहीं होती थी। तो इसलिए गुरु जी ने भी लिखा रामकृष्ण जी ने कि ऐसा होने पर जब साधक सत्य संकल्प हो जाता है अर्थात उनके हृदय में जो संकल्प होता है वो सत्य हो जाता है। जैसे जिस प्रकार के उन्होंने एक उदाहरण जो दिया कि मेरे पिताजी को ये सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि वो जो बोलते थे वो सच होता था। तो इसी प्रकार जो रामकृष्ण जी की जो अवस्था था ऐसी अवस्था में जब उनकी पूरी इच्छाएं भगवान की इच्छा में जब विलीन हो जाती है तो उनके हृदय में खुद के हृदय में जो संकल्प होता है वो हमेशा सत्य होता है। तो ये था भगवान की पर निर्भर होने से जो, तो इसके बारे में गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने यह कहा था कि जो भोले बछड़े होते हैं जो माँ पर निर्भर होते हैं तो भोले बछड़े दूध पीते हैं और जो ज़्यादा सयाने जो होते हैं कौए ज़्यादा चालाक होते हैं वो बिष्टा खाते हैं। तो उनका ये वाक्य था भोले बछड़े दूध पीते हैं सयाने कौए बिष्टा खाते हैं। और इस पर हमने कल देखा था कि ये देवी देवताओं की जो निर्भरता है भगवान विष्णु पर ये भगवान महाविष्णु पर और यही देवताओं का और देवताओं का जो फर्क है कि देवताओं की जो निर्भरता है भगवान पर अहंकार शून्य। और हमने हम पढ़ चुके हैं जैसे कि रावण ये सबकी जो मान जो खुद का जो अहंकार था वो ये जो मानते थे कि वो जो कर रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं उनकी शक्ति से प्राप्त कर रहे हैं जबकि देवी देवताओं का हमेशा ये होता है कि वो भगवान पर निर्भर होते हैं। जैसा गुरु जी ने लिखा जब देवन की पंगत बैठी हरि अमृत आप परोस रहे उन लाभ रहे हैं जीवन में जो उनकी आस भरोस रहे। तो चूंकि देवी देवता सब भगवान पर निर्भर थे तो इसकी वजह से भगवान ने ही उनके अमृत के लिए जो उनके लिए व्यवस्था की भगवान ने अमृत मंथन से जो अमृत समुद्र मंथन से जो अमृत निकला उसको देवताओं की पंगत में बांटने के लिए आपने मोहिनी रूप धारण किया क्योंकि देवताओं के एकमात्र भरोसे भगवान महाविष्णु थे। हे प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण किया क्योंकि देवताओं का एकमात्र आप ही भरोसा है उन देवताओं को मोहित करने के लिए आपने मोहिनी रूप धारण किया मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसी पर एक जो श्लोक है गीता में कि अनन्य भाव से मेरा जो चिंतन करते हैं मेरे भक्तजन मेरी उपासना करते हैं उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो ये जो श्लोक है अनन्या आश्चिंतयन्तो जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरा आश्रय देते हैं माम ये जना परिपास्ते जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं तेषाम नित्याभियुक्तान ऐसे नित्य युक्त पुरुषों का योग सेम वहामि हम उनका ये योग सेम मैं वहन करता हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से योग सेम मतलब योग मतलब जो चीज उनके पास नहीं है उनकी प्राप्ति और क्षेम मतलब जो प्राप्त हुआ है उसका रक्षा तो उनका योग सेम का वहन मैं करता हूँ। इसका अर्थ जो है जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है छोटे बच्चे के लिए माँ जो कृष्ण भगवान कह रहे वहाम या हम चले छोटे बच्चे के लिए माँ जो जो वस्तु की जरूरत पड़ती है वो बड़ी प्रसन्नता से बड़े प्रेम से उत्साह से वो वस्तु ला कर देती है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ऐसे मैं जो मेरे निरंतर मेरे पर निर्भर रहते हैं ऐसे भक्तों के लिए जो वस्तु की जो किसी वस्तु की मैं आवश्यकता समझता हूँ मैं वो वस्तु मैं स्वयं ला कर देता हूँ अर्थात वो भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। तो ये होता है जब भक्त हिसाब न करके भगवान की दया प्रेम एक प्रेम संबंध स्थापित करके भगवान की दया और कृपा चाहता है। तो ये था ये कथा का ये